देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड इट्स वेरी गुड टू सी यू टुनाइट ऑन भारत एट नाइन। व्यूअर्स, आज पूरा दिन भारत ने सिर्फ एक नाम को डिस्कस किया और वो एक नाम है मेजर ध्यानचंद। व्यूअर्स, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है और इस स्टोरी के पीछे कई लोगों के दुख तो कई लोगों के सुख छिपे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि टुडे इंडिया हैज करेक्टेड अ हिस्टोरिकल ब्लंडर। भारत ने आज अपनी भूल को सुधारा है और यह सुपर मास्टर स्ट्रोक है, यह गेम चेंजिंग मूव है व्यूअर्स। फिर भी कुछ लोग अपसेट, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार में उनका दुख खत्म क्यों नहीं होता। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डोंट यू फील यूज्ड? क्या आपको नहीं लगता कि आपको सिर्फ यूज किया जा रहा है, आपकी भावनाओं का इस्तेमाल किया जाता है? आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। पूरे देश अभी ओलंपिक्स की चर्चा है, रोज हमारे खिलाड़ी अपना खून पसीना बहाकर देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता, आर लीडर्स, दिस पॉलिटिशियंस अपना एजेंडा ऊंचा कर रहे हैं। वरना क्यों, क्यों प्रधानमंत्री मोदी को इन आ वेरी सडन खिलाड़ियों की इतनी चिंता सताने लगी कि उन्होंने इन आ सडन वेरी सडन राजीव गांधी का नाम हटाकर इस सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया? व्हाई इट्स सो सडन? आई टेल यू व्हाई। It's because this is a simple political stunt. क्योंकि एक सिंपल राजनीतिक स्टंट है, सिंपल राजनीतिक टैक्टिक है ये व्यूअर्स। वरना क्यों, इफ नॉट वाई नॉट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मोदी जी या किसी दूसरे मुख्यमंत्री की जगह उस साइंटिस्ट या ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट की तस्वीर होती है जिसने उसको बनाया। And if not, why not? Vaccine billboards पर thank you मोदी जी की जगह thank you taxpayers लिखा होता। And if not, why not? देश के सारे airports का नाम बड़े engineers के नाम पर रख दिया। And if not, why not? देश के सभी बड़े अस्पतालों के नाम बड़े doctors के नाम पर रख दिए जाएं, जिन्होंने आयुर्वेद को बढ़ावा दिया, सर्जरी को बढ़ावा दिया, एलोपैथी को इंट्रोड्यूस किया यहां पर, एलोपैथी को लेकर आए। एंड इफ नॉट वाय नॉट मोदी जी, सभी स्टेडियम्स के नाम भी खिलाड़ियों के नाम पर रख दिए जाए, हु ब्रिंग ग्लोरी टू आवर कंट्री। एंड डोंट यू थिंक मोदी जी दैट वी हैव अ लॉट ऑफ लीजेंड्स टू बी गिवन रिस्पेक्ट? एंड सो आई आस्क टुनाइट, इफ नॉट वाय नॉट मोदी जी, लेट्स स्टार्ट विद नरेंद्र मोदी स्टिल। यू हर्ड इट राइट, मोदी जी। मोदी जी, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम किसी खिलाड़ी के नाम पर रख दीजिए एंड वो होगा असली बिलियन डॉलर मास्टर स्ट्रोक। एंड दैट्स द न्यूज़ टुनाइट। मेजर ध्यानचंद भारत के महान हॉकी प्लेयर थे, उनका नाम दुनिया के महान हॉकी प्लेयरों में गिना जाता है। ध्यानचंद को अपने अलग तरीके से गोल करने के लिए आज भी याद किया जाता है। उन्होंने भारत को लगातार 3 बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलवाया था। यह वह समय था जब भारत की हॉकी टीम दुनिया की सबसे प्रमुख टीम हुआ करती थी। ध्यानचंद बॉल पर अपनी पकड़ के लिए भी जाने जाते थे, इसलिए उन्हें द विजार्ड भी कहा जाता था। ध्यानचंद ने अपने अंतर्राष्ट्रीय खेल के सफर में 400 से अधिक गोल किए थे। उन्हें अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 1948 में खेला था। ध्यानचंद को अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया गया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वे 29 अगस्त 1905 को हुआ था। वे राजपूत परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम समेश्वर सिंह था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। ध्यानचंद के पिता भी हॉकी खेला करते थे। ध्यानचंद के 2 भाई थे, मूल सिंह और रूप सिंह। रूप सिंह भी ध्यानचंद की तरह ही हॉकी खेला करते थे, जो एक अच्छे खिलाड़ी थे।
ध्यानचंद के पिता समेश्वर आर्मी में थे, जिस वजह से उनका तबादला आए दिन कहीं ना कहीं होता रहता था। इस वजह से ध्यानचंद ने कक्षा छठवीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। बाद में ध्यानचंद के पिता उत्तर प्रदेश के झांसी में जा बसे थे। ऐसा बताया जाता है कि युवावस्था में ध्यानचंद को हॉकी से नहीं बल्कि रेसलिंग से लगाव था। उन्होंने हॉकी खेलना अपने आसपास के दोस्तों के साथ यूं ही शुरू किया था। तब वह पेड़ की डाली से हॉकी स्टिक बनाते थे और पुराने कपड़ों से वॉल बनाया करते थे, और इस तरह से शुरुआत हुई ध्यानचंद की जिंदगी में हॉकी की। 14 साल की उम्र में वे एक हॉकी मैच देखने अपने पिता के साथ गए थे। वहां एक टीम 2 गोल से हार रही थी। ध्यानचंद ने अपने पिता को कहा कि वो इस हारने वाली टीम के लिए खेलना चाहते हैं। वो आर्मी वालों का मैच था तो उनके पिता ने ध्यानचंद को खेलने की इजाजत दे दी। ध्यानचंद ने उस मैच में 4 गोल किए। उनके इस रवैये और आत्मविश्वास को देख आर्मी ऑफिसर बहुत खुश हुए और उन्हें आर्मी ज्वाइन करने को कहा। 1922 में 16 साल की उम्र में ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट से एक सिपाही के पद पर तैनात हो गए थे। आर्मी में आने के बाद ध्यानचंद ने हॉकी खेलना अच्छे से शुरू किया और उन्हें ये पसंद आने लगा। सूबेदार मेजर भोले तिवारी ने, जो ब्राह्मण रेजिमेंट से थे, वे आर्मी में ध्यानचंद के मेंटर बने और उन्हें खेल के बारे में ज्ञान देना शुरू किया। पंकज गुप्ता ध्यानचंद के पहले कोच कहे जाते थे। उन्होंने ध्यानचंद के खेल को देख कर कह दिया था कि ये एक दिन पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकेगा। उन्हीं ने ध्यानचंद को चंद नाम दिया था, जिसके बाद उनके करीबी उन्हें इस नाम से पुकारने लगे थे। इसके बाद ही वह ध्यान सिंह से ध्यानचंद बन गए। ध्यानचंद के खेल के ऐसे बहुत से पहलू थे जहां उनकी प्रतिभा को देखा गया था। एक मैच में उनकी टीम 2 गोल से हार रही थी, तब ध्यानचंद ने आखिरी 4 मिनट में 3 गोल मार टीम को जिताया था। यह पंजाब टूर्नामेंट मैच की बात है जो झेलम में खेला गया था। इसके बाद ही ध्यानचंद को हॉकी विजार्ड कहा गया था। ध्यानचंद ने 1925 में पहला नेशनल हॉकी टूर्नामेंट गेम खेला था। इस मैच में विज, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, राजपुताना और मध्य भारत ने हिस्सा लिया था। इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही उनका सिलेक्शन भारत की इंटरनेशनल हॉकी टीम में हुआ था और यहीं से शुरुआत हुई ध्यानचंद के खेल के अंतर्राष्ट्रीय सफर की। इस सफर में सबसे पहले 1926 में न्यूजीलैंड में होने वाले एक टूर्नामेंट के लिए ध्यानचंद का चुनाव हुआ। यहां एक मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 गोल किए थे, जिसमें से 10 गोल तो अकेले ध्यानचंद ने किए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले थे, जिसमें से 18 में भारत विजयी रहा था। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 192 गोल किए थे, जिसमें से ध्यानचंद ने 100 गोल मारे थे। यहां से लौटने के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लांस नायक बना दिया गया, जिसके बाद 1927 में लंदन फोल्कस्टोन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में 72 गोल किए, जिसमें से 36 गोल ध्यानचंद के नाम रहे। 1928 में एम्स्टरडैम ओलंपिक में भारतीय टीम का फाइनल मैच नीदरलैंड के साथ हुआ, जिसमें 3 गोल में से 2 गोल ध्यानचंद ने मारे थे और भारत का पहला स्वर्ण पदक जिताया था। 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम में भारत का फाइनल मैच अमेरिका के साथ था, जिसमें भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 23 गोल किए और 23-1 के साथ जीत हासिल कर स्वर्ण पदक हासिल किया था। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड कई सालों बाद 2003 में टूट सका। उन 23 गोल में से 8 गोल ध्यानचंद ने मारे थे। ध्यानचंद की इस प्रतिभा को देख जर्मनी के हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मन आर्मी में हाई पोस्ट में आने का ऑफर दिया था, लेकिन ध्यानचंद को भारत से बहुत प्यार था और उन्होंने इस ऑफर को बड़ी शिष्टता के साथ ठुकरा दिया। ध्यानचंद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को 1948 तक खेलते रहे। इसके बाद 42 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि इसके बाद भी वे आर्मी में होने वाले मैच में खेलते रहे। देश को इतना कुछ देने के बाद भी ध्यानचंद के आखिरी दिन अच्छे नहीं रहे। ओलंपिक मैच में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने के बावजूद देश उन्हें भूल गया। उनके आखिरी दिनों में उन्हें पैसों की भी कमी रही। उन्हें लीवर में कैंसर हो गया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया। उनका देहांत 3 दिसंबर 1979 को हुआ।
आइए अब आपको बताते हैं मेजर ध्यानचंद के अवार्ड्स और अचीवमेंट के बारे में। तो 1956 में भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से ध्यानचंद को सम्मानित किया गया। उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद की याद में डाक टिकट शुरू की गई थी। दिल्ली में ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का निर्माण कराया गया था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने यह अहम घोषणा की है कि भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। इसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर कर दी गई है। यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत की टोक्यो ओलंपिक खेल में 41 साल बाद मेडल जीतने के शुभ अवसर के चलते किया है। सन 1980 में मॉस्को ओलंपिक में हॉकी मेडल भारत ने जर्मनी को हराकर जीता था। प्रधानमंत्री का कहना है कि मेजर ध्यानचंद भारत के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत को सम्मान और गर्व प्रदान किया था। वे हमारे भारत के सबसे महान खिलाड़ी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो दर्शकों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाए। फ्रॉम टुडे मोदी जी ने ट्वीट करके खुशखबरी देश की जनता को दी। चलिए, बढ़िया बात। व्यूअर्स, कल ही भारतीय पुरुष टीम हॉकी में 41 साल बाद ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऐसे में हॉकी के जादूगर के नाम से अगर खेल रत्न सम्मान दिया जाएगा तो इससे सुंदर बात क्या। जिनको नहीं पता है उनको रिपोर्ट्स के जरिए बताने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आया तो उनके लिए एक बार फिर क्लैरिटी के साथ बता देता हूं कि मेजर ध्यानचंद की बदौलत ही, he was the only person जिनकी बदौलत 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल हुआ। 1928 में एम्स्टरडम ओलंपिक्स में उन्होंने सबसे ज्यादा 14 गोल्स किए। तब एक लोकल न्यूज़पेपर ने कहा कि दिस इज नॉट हॉकी, दिस वॉज मैजिक एंड ध्यानचंद इज द मैजिशियन ऑफ हॉकी। और तब से ही दुनिया मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहती है। खैर, चलिए, मोदी जी ने खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए खेल रत्न का नाम बदल दिया है और यह स्वागत योग्य, आई वेलकम। बट इतने से ही काम नहीं चलने वाला है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी को खिलाड़ियों के जीवन, जीवन की मूलभूत सुविधाओं और उनके प्रशिक्षण पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा भविष्य में नहीं हो कि कोई मीराबाई चानू लकड़ियों का गट्ठर ढो ढोकर वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करे, कोई हॉकी का खिलाड़ी साइकिल की दुकान में काम करके दो वक्त की रोटी जुटा पाए, तो कोई एथलीट भर पेट खाना खाए बिना सोच। दिस इज द कंडीशन ऑफ टूडेज इंडिया एंड वी वॉन्ट टू कंपीट विद चाइना, वी वॉन्ट टू कंपीट विद जापान, वी वॉन्ट टू कंपीट विद यूनाइटेड नेशन, वी वॉन्ट टू कंपीट विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद दिस। आप अपने खिलाड़ियों की पुरानी तस्वीरों को देखते हैं जहां वो साइकिल से चल रहा, जहां पर वो जमीन पर बैठकर दाल चावल खा रहा, और ये नेता आपको वो तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं देखिए प्राउड करिए। लेकिन मैं कहता हूं कि प्राउड नहीं, लानत करिए। जब हमारे देश के ऐसे खिलाड़ियों इस तरह का जीवन यापन करके खेलना हो तो क्या प्रैक्टिस करें? दाल चावल खाकर आप कहेंगे कि फेंक जहां तक भाला जाए, दिस इज रिडिकुलस, अटर रिडिकुलस। देखिए, ओलंपिक में जीत का जश्न पूरा देश मना रहा और मनाना भी चाहिए, लेकिन यह जीत देश की जीत नहीं है। यह जीत दर्शकों देश की जीत नहीं है। यह जीत, ये मेडल सिर्फ और सिर्फ उन खिलाड़ियों के अदम्य साहस और कभी हार ना मानने वाले जज्बे का प्रतीक।
आप उनकी खुशी में शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनकी जीत में आपने किसी भी तरह का कोई योगदान दिया। दिस इज फॉर ऑल द कॉमन पीपल ऑफ माई कंट्री इंडिया, दिस इज फॉर ऑल द पॉलिटिशियंस ऑफ माई कंट्री इंडिया, एंड दिस इज फॉर ऑल द सो कॉल्ड समाज सेवी ऑफ माई कंट्री। और ये देश के लिए अटर शेम की बात होनी चाहिए कि आज आप जिन खिलाड़ियों के जीतने का जश्न मना रहे हैं, कल तक उनकी थाली में पेट भरने लायक खाना नहीं। बाकी सुविधाओं की क्या ही बात करें। हमने मीराबाई चानू की वापस लौटने के बाद वो तस्वीर देखी जहां पर वो एक सिंपल थाली में दाल चावल खा रही थी, एंड वी आर सो हैप्पी शेयरिंग इट। एंड दिस पॉलिटिशियंस, आई विल टेल यू व्यूअर्स, दिस पॉलिटिशियंस आर एक्चुअली मेकिंग फूल ऑफ यू। मैं बताता हूं कैसे। वो आपको ये दिखाते हैं कि देश, ये देखिए देश की इतनी बड़ी खिलाड़ी जिन्होंने हमारे देश को मेडल दिलवाया, वो एक सामान्य तरह से थाली में दाल चावल खा रहे हैं, ताकि आप उनसे ना पूछ सके कि देश की इतनी बड़ी खिलाड़ी उसकी आज भी यह हालत क्यों है कि वो सिर्फ जमीन पर बैठकर दाल चावल खाने को मजबूर है। इतने सालों के खेल के बाद अगर वो मेडल ना जीत पाती, इतने सालों के परिश्रम के बाद अगर वो मेडल ना जीत पाती, तो कौन जानता मीराबाई चानू। दर्शकों, ये पॉलिटिशियंस आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से एक बेटी ने अपने पिता को 1600 किलोमीटर साइकिल से ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह ले गई, और उसके जज्बे को सलाम करते हैं। मैं उनके जज्बे को लानत भेजता हूं, बिकॉज वो आपको बरगला रहे। उन्होंने क्यों नहीं हमारी बेटियों को इतना सशक्त बनाया, क्यों नहीं ऐसी कंफर्ट सिचुएशन पैदा की जहां पर एक बेटी 1600 किलोमीटर तक अपने पिता को ना ले जाना। वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे, देखिए रेलवे स्टेशन पर एक महिला कूली का काम कर रही है और उसकी बड़ाई करते हैं, देखिए विमेन आर कमिंग। वो क्यों नहीं ये बताते कि क्यों नहीं महिलाएं आज भी हमारे देश में बड़ी कंपनी की सीईओ। वो आपको क्यों बताते हैं कि देखिए एक टैक्सी चलाने वाली पहली महिला है पंजाब की, ये देखिए और उसके बैक में देखिए तो शेम। तो मोदी जी, सिर्फ नाम बदलने से तो खेल जगत की विडंबनाएं हैं वो सुलझने से नहीं सुलझेंगी। मोदी जी, हो सके तो खिलाड़ियों का जीवन स्तर सुधारने की कोशिश कीजिए। एक समस्या है जो आम है, लोग कहते हैं कि पत्रकार जो है वो सवाल करते हैं, सॉल्यूशन को अंधकार में रखते हैं। मैं सॉल्यूशन की बात करूं, सवाल दर्शकों से, सवाल पॉलिटिशियंस से, और अब इन सवालों का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ये है, प्राइम मिनिस्टर कोशिश कीजिए कि खेल बजट को बढ़ा दीजिए। सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, प्रधानमंत्री जी आप खेल बजट को बढ़ा दीजिए। खेल बजट को बढ़ाने के साथ साथ 365 दिन में से जो आप 4 दिन हॉकी को देते हैं, 4 दिन विंबलडन को देते हैं, 4 दिन आप बैडमिंटन को देते हैं, 4 दिन आप पोलो को देते हैं, 4 दिन आप बाकी तमाम खेलों को देते हैं, और 361 आप क्रिकेट को देते हैं, एंड उसके बाद पूरा देश सोचता है 361 दिन मैच क्रिकेट देखने के बाद देश सोचता है कि 5 दिन के लिए मैं ये खेल देखूं, और ये मेडल ले लूं, तो दिस इज जस्ट हिपोक्रेसी। आप 361 दिन एक खेल पर देते हैं और 5 दिन में सोचते हैं कि मीराबाई चानू जीत के लाए, आप सोचते हैं कि पुनिया ये जीत के लाए। आप मुझको सच सच बताइए, क्या आपने ओलंपिक से पहले मीराबाई चानू को कभी कोशिश की कि उनके लिए कुछ बेहतर किया? आप विराट कोहली का दिखाया हुआ एक टी शर्ट का एड देखकर उस टी शर्ट को खरीदने निकल जाते हैं, आपने कभी सोचा?
कि बाकी खिलाड़ियों का क्या, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको मेडल दें। तो सॉल्यूशन ये है कि खेल बजट बढ़ाया जाए, बाकी खेलों को इसमें शामिल किया जाए, और उतना ही बाकी खेलों के लिए किया जाए जितना कि क्रिकेट के लिए किया जाता है। क्रिकेट भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि बाकी खेल है। तो जो नई प्रतिभाएं हैं उनको संवारने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करवाए, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। तब जाकर मैं मेजर ध्यानचंद जी की आत्मा को सुकून दूं। एक खिलाड़ी ही दूसरे खिलाड़ी के दर्द को समझ सकता है, बाकी तो सब बढ़िया ही है, सब बेहतर है। आप ओलंपिक में खिलाड़ियों के जाने से पहले भी उनसे बात करते हैं, जीतने पर फोन करते हैं पीएम साहब, और मैच भी देखते हैं, ये सब कुछ सुंदर बात है। अब बस ग्राउंड लेवल पर देश के खिलाड़ियों के उत्थान के लिए भी कुछ कर दिखाइए, फिर दिल से, आई मीन फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, आपको मैं भी कहूंगा जय हिंद। सो दिस इज फॉर टुडे, सी यू टुमारो, गुड नाइट।